बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में शायद आपको सुनाई देता रहे जी के 100-120 रुपए के दो दर्जन केले, अभी शाम का टाइम में जो रेन खंड बढ़ जाता है वो इस टाइम ऐसे ही बेचते हैं बाहर बाजार में। तो पाकिस्तान में ऐसे हालात बहुत से मैं देख रहा। अच्छा, मैं एक वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगा जिसमें आपको दिखाऊंगा लोहे लैलन तो पतीसा थे, पापड़ करा रहे थे, प्लान टमकान जो भी सीन चल रहे हैं यहाँ पर। तो आज की वीडियो में बता देंगे जी डॉलर रेट और रियाल रेट के मुतलक आपको। पहले मैं डॉलर रेट के मुतलक अपडेट कर दूं। मैं काफ़ी हैरत हुई है मुझे ये रेट देखने के बाद खुद से भी, और जब से मैं आपके साथ ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ ये तकरीबन पिछले 6 माह से लगा हुआ हूँ आपके साथ मुख्तलिफ, यानी कि कभी वक्फा भी डल जाता है इन वीडियो में। अभी तो मैं रोज़ आपको अपडेट कर रहा हूँ मैं डॉलर रेट एंड रियाल रेट से। तो बहरहाल तब से अब तक का मैंने सबसे ज़ायद अब बड़ी छलांग अगर बोल रहे हैं डॉलर के मुतलक आज ही देखी है, यहाँ पर आपको दिखा रखा हूँ आप देख लें भाई। 186.13 रुपये था और आज हो चुका है 188.18 रुपये, यानी कि एक ही दिन में 2.05 रुपये बढ़ चुका है। अगर किसी के पास $2000 पड़े हुए हैं तो आप खुद से अंदाज़ा कर लें कि उसकी 4000 की भाई दिहाड़ी लगी है, 4000 प्लस में दिहाड़ी लगी है बैठे बैठाए। अगर किसी के पास $2000 भी मौजूद हैं तो लोगों के पास बहुत होते हैं जी। अभी रियाल रेट के मुतलक बात कर लेते हैं जी। आज जिन बंदों के पास रियाल है उनकी भी दिहाड़ी लग रही है और ऐसे ही लग रही है जैसे कि डॉलर के मुतलक लग रही है। एक भाई ने मुझे कमेंट किया ट्रक हज़ारा के नाम से, मुझे उनकी आईडी है जी, काफ़ी पुराने सब्सक्राइबर हैं मेरे। उन्होंने आज मुझे कमेंट किया 50 प्लस में मुझे रेट बताया है, लेकिन जो मैं आपको एक्सचेंज करें जो करंट रेट होता है वो उससे अपडेट करता हूँ और मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से, हो सकता है कहीं पर उन्होंने देखा हो। तो बहरहाल आप सऊदीया में हैं जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप बताएं अभी पाकिस्तान से आप मुझे कमेंट करते हैं सऊदीया क्या हालात चल रहे हैं, सऊदीया में आ चुके हैं बताएं अभी कैसी ज़िंदगी गुजर रही है सऊदीया में। तो बात कर लेते हैं जी, अगर आपको एक्सचेंज रेट के मतलब पहले बता दूँ 49.68 रुपये हो चुका है, यानी कि 49.70 रुपये ही बोल रहे हैं आज का रेट हो चुका है। ये करंट रेट है, एक्सचेंज रेट है 50 के करीब पहुंच चुका है। और अगर मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात करें तो आपको फौरी बैंक बैंक अल जजीरा के मतलब बता दूँ 49.20 रुपये रेट 49+20 रुपये में जा चुका है इनका रेट भी, और दसरा इनकी फीस है। एंड STC पे की बात करें तो 49.63 रुपये इनका रेट हो चुका है। एंड तकरील राजी की बात करें तो 47.80 रुपये इनका रेट हो चुका है, दसरा इनकी फीस है। और अगर वेस्टर्न यूनियन की बात करें तो 49.78 रुपये सबसे हाई अगर देखें तो इसी का रेट जा रहा है जो 49.78 रुपये फीस इनकी 23 रियाल है। और अगर मनीग्राम की बात करें तो 49.82 रुपये सबसे हाई इनका जा रहा है अभी। पिछले वाले अगर वेस्टर्न यूनियन से भेजते हैं 49.78 है, अगर मनीग्राम से भेजते हैं तो 49.82 रुपये इनका रेट हो चुका है, 23 रियाल इनकी फीस है। और टैली मनी ANB बैंक की बात करें तो 48.20 रुपये इनका भी रेट अभी जा रहा है, 15 रियाल इनकी फीस है। तो बाकी बार अगर आप अभी रियाल भेज रखे हैं तो मत भेजिए, मेरा आपको ये मशवरा है ईद के करीब भेजें। आपको यहाँ पर पाकिस्तान में मिल भी जाएंगे ATM कार्ड, हर बंदे के पास ATM से वो निकाल लेंगे, लेकिन उस टाइम 50 प्लस में रेट जा चुका होगा, आपको फायदा होगा।